सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसे शॉर्ट में मतलब प्यार से लोग सेबी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है और हम ऐसे पॉइंट को कवर करते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी सीखना चाहते हो उम्मीद है वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सेबी कहाँ है यह भी जानेंगे, पहले यह जानते हैं सेबी क्या है। सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है। यह शेयर बाजार का वो हिस्सा है जिसके बिना आज के शेयर बाजार की कल्पना कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि एक सेबी ही है जिसने पूरे बाजार को संतुलित कर रखा है और आज आम निवेशक बड़े ही आराम से शेयर बाजार में काम करके मुनाफा कमा पा रहे हैं। सेबी कौन है यह भी जानेंगे, पहले यह जानते हैं सेबी कहाँ है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत की गई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं। सेबी अपने सभी कार्यालय से स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, ताकि शेयर बाजार में निवेशक ठीक तरह से काम कर सकें। सेबी क्या करती है यह भी जानेंगे, पहले यह जानते हैं सेबी कौन है। जब सेबी नहीं था और सेबी जैसी कोई संस्था भी नहीं थी, तब ब्रोकर और कंपनीज अपनी मनमानी करते थे। इससे निवेशक बहुत परेशान रहते थे। आम निवेशक को सुविधा प्रदान करने के लिए एवं शेयर बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की सिफारिश की गई जो बाजार की सभी गतिविधियों पर नज़र रखे और आम निवेशक के हित में कार्य करे एवं बाजार में झोलझाल और घोटाले करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर कार्रवाई करे। इसके बाद सेबी की स्थापना की गई और तब से अभी तक सेबी ही शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, जिसके कारण आम निवेशक को बहुत लाभ मिला है। सेबी की मुख्य भूमिका क्या है यह भी जानेंगे, पहले यह जानते हैं सेबी क्या करती है। सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है और सेबी का कार्य है स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदने वाले पार्टिसिपेंट एवं स्टॉक या सिक्योरिटी इशू करने वाली कंपनीज और मार्केट में शामिल ब्रोकर, बैंक एवं संस्थाओं पर निगरानी और नियंत्रण रखना। सेबी स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। सेबी का काम है शेयर बाजार के नियम और कानून बनाना एवं कानूनी संशोधन करना, स्टॉक ब्रोकर, एजेंट, मैनेजर आदि के कार्यों पर रेगुलेट करना। शेयर बाजार में काम करने वाली कंपनी और संस्थाएं सभी सेबी के बनाए गए कानूनों का पालन करती हैं और सेबी इन सभी को रेगुलेट करती है। सेबी का मुख्य कार्य है शेयर बाजार में पारदर्शिता लाना और आम निवेशक को जागरूक रखना, क्योंकि मार्केट में कई तरह के घोटाले हुए जिनसे आम निवेशक को परेशानी हुई, साथ ही आम निवेशक शेयर मार्केट से दूर होता गया। जब से सेबी की स्थापना हुई है तब से अब तक मार्केट में आम निवेशक की संख्या भी बढ़ी है। सेबी किन संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है यह भी जानेंगे, पहले यह जानते हैं सेबी की मुख्य भूमिका क्या है। स्टॉक मार्केट में सेबी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अगर शेयर बाजार सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तो यह सब सेबी के कारण ही संभव हो पाया है। सेबी का एक ही लक्ष्य है शेयर बाजार के कार्यों को रेगुलेट करना तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण रखना और आम निवेशक के हितों में कार्य करना। सेबी के घोटाले की जानकारी यह भी जानेंगे, पहले यह जानते हैं सेबी किन संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है। सेबी मुख्य रूप से शेयर बाजार और उससे जुड़े हर एक संस्थान पर नियंत्रण रखती है, लेकिन यहाँ हम कुछ संस्थाओं के बारे में जानेंगे। जैसे डिपॉजिटरी, यह वे संस्थाएं होती हैं जो सभी बड़ी और छोटी संस्थाओं को अलग अलग अकाउंट खोलने की सुविधा देती हैं, जैसे NSDL और CDSL। इनके बारे में और अधिक जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यह वे पार्टिसिपेंट होते हैं जो डीमेट अकाउंट जैसे खातों को खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस मनी एंड बैंक आदि। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यह वे एजेंसी होती हैं जो लोन लेने की क्षमता का आकलन करती हैं, जैसे क्रीसील, इकरा, केयर। ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, यह लोगों के लिए स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने एवं बेचने का कार्य करते हैं। सेबी इन सभी पर निगरानी रखती है। FII, इसका पूरा नाम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है।
इसका कार्य ट्रांजैक्शन का होता है और इनके सभी ट्रांजैक्शन सेबी की निगरानी में होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स, इसका कार्य होता है कंपनियों को आईपीओ लाने में मदद करना और इसका कार्य भी सेबी की निगरानी में होता है, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि। डेवेंटर ट्रस्टी, इसके अंतर्गत सभी बैंक आते हैं जो कि कंपनियों को डेवेंटर के बदले में लोन देने का कार्य करती हैं। यह आम निवेशक द्वारा भी खरीदे जा सकते हैं। पीएमएस, इसका पूरा नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और यह म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें आम निवेशक बहुत ही कम निवेश करते हैं क्योंकि इसमें निवेश अधिक होता है। न्यूनतम सीमा इसकी 25 लाख होती है, जैसे पाराग पारिक और रैलीगर वेल्थ आदि। एएमसी, इसका पूरा नाम है असिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज। इसके अंतर्गत वह कंपनीज आती हैं जो निवेशक से एकत्रित किया हुआ पैसा मार्केट में निवेश करती हैं। इसका काम भी सेबी की निगरानी में होता है। सेबी में शिकायत कैसे करें, यह भी जानेंगे। पहले यह जानते हैं सेबी के घोटाले की जानकारी। हर एक निवेशक का एक ही मकसद होता है, शेयर बाजार से अधिक पैसा कमाना, और कई बार लालच में आकर लोग गलत कार्य भी कर जाते हैं जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, और इससे बाजार का नाम भी खराब होता है। शेयर बाजार में भी अन्य बाजारों के जैसे घोटाले हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम घोटाला और भी कई सारे। जरूरी नहीं है कि एक निवेशक ही घोटाला करे, कई बार कंपनियां और संस्थाएं भी सेबी की नजरों से बचकर आम निवेशक के साथ धोखाधड़ी कर सकती हैं। अगर आपके साथ कोई कंपनी या संस्था धोखाधड़ी करे तब क्या करें? सेबी में शिकायत कैसे करें, यह भी जानेंगे। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। सेबी से शिकायत कैसे करें, यह भी जानेंगे। पहले यह जानते हैं सेबी में शिकायत कैसे करें। सेबी में और सेबी से शिकायत करने में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। कई बार कुछ संस्थाएं या व्यक्ति सेबी की नजर से बचकर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है या आपकी किसी शिकायत पर कोई कंपनी कार्रवाई नहीं करती, तो आप उनकी शिकायत सेबी से कर सकते हैं। सेबी से शिकायत करते ही सेबी उन कंपनियों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपकी पूरी मदद करेगी, क्योंकि सेबी का काम है आम निवेशक को सुविधा प्रदान करना और निवेशकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकना, क्योंकि निवेशक एक अहम जरिया है शेयर बाजार को चलाने का। बिना निवेशक के शेयर बाजार का मतलब बिना दीवार के घर जैसा हो जाएगा। अभी हमने जाना सेबी में शिकायत कैसे करें, अब जानते हैं सेबी से शिकायत कैसे करें। चलिए जानते हैं कि हम सेबी से किसी कंपनी की शिकायत कैसे कर सकते हैं। सेबी से शिकायत करने के लिए दो वेबसाइट हैं। पहला है www.sebi.gov.in या दूसरी है www.scores.gov.in। आप इन दोनों वेबसाइट पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी भरकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट के अनुसार अगर आपसे कंप्लेंट से संबंधित जरूरी दस्तावेज मांगे जाएं, तो दस्तावेज को पेश करें। आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद सेबी अपना कार्य प्रारंभ करती है और जो इसका जिम्मेदार है उसके पास शिकायत भेजती है, और सेबी के नियम अनुसार हर कंपनी को उसका जवाब देना पड़ता है, और फिर इस तरह आपकी समस्या हल हो जाती है। आज के इस वीडियो में हमने जाना सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी क्या है, सेबी कहाँ है, सेबी कौन है, सेबी क्या करती है, सेबी की मुख्य भूमिका क्या है, सेबी किन संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है, सेबी के घोटाले की जानकारी, सेबी में शिकायत कैसे करें, और आखिर में हमने जाना सेबी से शिकायत कैसे करें। अब आप जान गए हैं सेबी क्या है और सेबी क्या करती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट बेसिक। इसे देखने के बाद आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए,
साथ ही हमारा अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आएगा, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।